कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। जय हो। क्या बुराई करना ठीक है? पर हम मानते हैं, जानते तो हैं, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से, क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। अपना ज्ञान अपने पास रखो, किसी को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सुनिएगा आगे भजन को। कीर्तन भजनों में नादान, कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। बुराई करना ठीक नहीं। आप लोगों के लिए है, सभी के लिए जो बुराई करता हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। कीर्तन भजनों में नादान, कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। भावना बेकार है, और भावना में जुड़ जाए जरा सा भाव तो भव से बेड़ा। इसीलिए कहा, हो शुद्ध भावना राखो मन में, शुद्ध भावना राखो मन में। सुनो माताओं, तुम्हारा हो जाए कल्याण, तुम्हारा हो जाए कल्याण, मिले कहीं ऐसी सीख नहीं। कीर्तन भजनों में नादान, बुराई करना ठीक नहीं। आपको भजन समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, किस किस को समझ में आ रहा है? ओ वाह, सबको समझ में आ रहा है। इधर से किस किस को समझ में आ रहा है? भाई भजन हाथ उठाइयो, जबरदस्ती नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है वो ही उठाना। उठाओ, किस किस को समझ में आ रहा है? ये अंग्रेज बैठे हैं क्या यहाँ? समझ में तो सबको आ रहा है, पर लेना कोई नहीं चाहता। हाँ, देना सब जानते हैं, पर लेना अच्छी बात। लेकिन कहा, जिस जिसका भाव शुद्ध रहा है, एक सत्संग में बैठने का फल क्या मिलता है वो सुनना। एक रात कीर्तन में बैठे, एक सत्संग सो यज्ञ बराबर, एक सत्संग सो यज्ञ बराबर। आपका एक सत्संग और 100 यज्ञ बराबर है। तो 100 यज्ञ तो नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि भाई ना इतना समय है और ना इतना पैसा है। लेकिन एक रात्रि कीर्तन में तो बैठ सकता है, कुछ समय तो बैठ सकता है। हो एक सत्संग 100 यज्ञ बराबर, एक सत्संग 100 यज्ञ बराबर। पार करेगा ये भव सागर, पार करेगा ये भव सागर। और मिलेगा रामायण में प्रमाण, मिलेगा रामायण में प्रमाण। मंत्र कोई ऐसा सटीक नहीं, कीर्तन भजनो में नादान। बुराई करना ठीक नहीं। और माताओं, बड़ा प्यारा सा भाव हो। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना। जिनके एक बेटा होता है वो तो कहती है मेरा एकला है। एक बेटा होगा तो ऑप्शन भी खत्म हो जाते हैं। जिसके 4 बेटे होंगे, 5 बेटे होंगे, तो ऑप्शन तो बचेगा। एक रोटी नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा दे देगा। पर जिनके एक ही है उनका तो ऑप्शन भी खत्म है। नहीं दी रोटी तो कहाँ जाओगे फिर। इसलिए कहा भैया, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और सर पे चढ़ाया फिर पछताया, फिर पछताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। आजकल माताएं सोचती है मेरी सेवा मेरी बहू करेगी। आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। आजकल तो इतना दहेज लेके आती है तो कहती है मेरे पापा ने इतना सारा खर्चा किया, मैं रोटी क्यों बनाऊं, हाँ मैं खाना क्यों बनाऊं, मैं पैर क्यों दबाऊं। कईयों को खाना बनाना आता है, कई को आता भी नहीं है। बस 5 मिनट वाली मैगी और एक चाय। इसीलिए कहा, ओ सासू ने खोली संदूक, उसमें निकली एक बंदूक। पहले ही जुगाड़ करके चलते आजकल। सासू ने खोली संदूक, उसमें निकली, सासू डर गई। ए बउअल तू यो के लाई से, कि हमने मारने आई से। बोले इसलिए ये कभी बोलो ना, सेवा ना करवाओ। इसीलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। जिस भजन में राम का नाम ना, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ये है कलयुग, ये कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग केवल नाम अधारा। सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हनुमान जी की झांकी किस किसने देखी थी अभी? ये तो थी झांकी। पर जहां राम भजन गाया जाता हो, ऐसा कहा जाता है, वहां स्वयं हनुमान सुनने के लिए आते हैं। और लिखा है, हरि कथा में आवे हनुमान, हरी कथा में आवे हनुमान। मिले इतने नजदीक नहीं, कीर्तन भजनों में नादान। बुराई करना ठीक नहीं। लित प्रियंका गुणगान, कर लित प्रियंका गुणगान, तजे भक्ति की लीक नहीं।